दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर जाएं और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा, ऑल बेल के बटन को आप पुश कर दें। जब ये आपके पास क्लियर हो जाएगा तो आप सब्सक्राइब होने के बाद आपको हमारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, ये एक न्यूमेटिक का मैनिफोल्ड पर लगे हुए वाल है, सिंगल कोइल और डबल कोइल के वाल। जब हम कोई भी सर्किट या अपना सिस्टम बनाते हैं कि कितने सिलेंडर बना लगाने हैं और कितने हमें मूवमेंट करने हैं या कहाँ कहाँ पर हमें एयर का सर्कुलेशन देना है और कितनी कंट्रोलिंग हमारे यहाँ है, उसी का अकॉर्डिंगली हम मैनिफोल्ड, ये पीस मैनिफोल्ड है और ये वाल यूज करते हैं। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। ये जो आपके ये फिल्टर लगे हुए हैं दोनों तरफ, फिल्टर का मतलब है जो एयर इसमें से टी पॉइंट में से निकलेगी वो इसमें से ब्लॉक होके या सक करके जाएगी, वो बिल्कुल साफ होकर जानी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हम कंट्रोलिंग के लिए कि न्यूमेटिक की कंट्रोल, सपोज कीजिए एक सिलेंडर हम चला रहे हैं और उसकी स्पीड हमें कम बढ़ती करनी हो, कुछ सिलेंडरों में तो इनबिल्ड आता है कि उसका बोल्ट घुमा के हम चेक कर लेते हैं। कुछ में क्या होता है कि कुछ में हम यहीं पर एक एडजस्टेबल इसमें नट लगा हुआ होता है, उसे टाइट करके उससे क्या होता है कि जब आपकी एयर आपके पोर्ट में से निकलेगी तो वो एयर कंट्रोल होने के बाद बाहर निकलेगी, उसे कहते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व। सो नाउ दैट वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, दैट अगर आपको देखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक वाल है सिंगल कोयल का वाल। आप सिंगल कोयल के वाल में देखिए, इसमें तीन पोर्ट, एक पोर्ट पी का है ये, और इसमें प्रेशर आएगा, ये टी के इसके ड्रेन वाले हो गए, और ए बी का आपका हो गया ये आपका लोड का, जहाँ पे सिलेंडर में आपके पाइप लगने हैं, ये इसमें प्रेशर आएगा और इनसे वापस निकलेगा, ये आपकी कोयल होगी ऊपर की तरफ। आपने देखा होगा इसमें जो सप्लाई है, यहाँ पे जितना भी आपकी कोयल के ऊपर लिखा हुआ है उतनी ही सप्लाई हमें इसमें देनी होगी। सपोज करो 24 वोल्ट डीसी इस पर लिखा हुआ है तो 24 वोल्ट डीसी देना है, अगर इस पर 24 वोल्ट एसी का हमने सर्किट लगाया तो 24 वोल्ट एसी देनी है, या 220 एसी देनी है अगर 220 का सर्किट हमने लगाया। आप वाल जब आप देखेंगे तो वाल के ऊपर एक बटन होता है, ये जब हम इस बटन को पुश करते हैं, कुछ में पुश का सिस्टम आता है और कुछ में आपका ये घुमाने का सिस्टम आता है कि आप इसे घुमा सकते हैं ट्रैक्टर से, तो उसमें दोनों कंडीशन में क्या होगा, अगर आपने इसमें करंट नहीं दे रखा और आपको वाल चेक करनी है तो उस कंडीशन में क्या है, आपने अगर प्रेशर दे रखा है पीछे तो आप एक पोर्ट यहाँ से बंद कीजिए, सपोज कीजिए आपने ए का पोर्ट, ये वाला जो ए है ये इस पर उंगली लगा लीजिए, जैसे ही आप इसे बंद करेंगे किसी चीज से कपड़ा लगा के और आप इसको प्रेस करेंगे, प्रेस कर सपोज कीजिए प्रेस करने वाला है तो आपका बी में ए प्रेशर निकलना चाहिए, और अगर आपका ये अगर डायरेक्ट है, पी कंट्रोल नहीं है, पी क्लोज नहीं है, ओपन है कि पी से लगातार ए में प्रेशर बना रहेगा, तो जब इसको दबाएंगे तो पी से प्रेशर भी माना चाहिए, तो अगर हमने ए दबा लिया तो क्योंकि न्यूमेटिक में हाइड्रोलिक में एक फर्क होता है कि जब आप आपका प्रेशर ए में जा रहा हो तो आपको उस प्रेशर को होल्ड करना होता है, अगर आपने ए को होल्ड नहीं किया है तो आपका प्रेशर जो है बदलेगा नहीं, मतलब पोर्ट नहीं बदलेगा, पी से बी में नहीं जाएगा। आप ए को क्लोज कीजिए तो आपका जब आप पुश करेंगे इस बटन को तो आपका प्रेशर जो है बी में आना चाहिए, तो इसका मतलब हमारी वाल प्रॉपर तरीके से काम कर ली कर रही है, ये मैनुअल में चेकिंग के लिए होती है। और इसी तरह से हमारा जो डबल वाल होता है, या आप देखिए डबल वाला वाल, डबल वाले वाल में क्या है कि आपको दोनों तरफ करंट देने देने के बाद एक बार ए में प्रेशर मिलेगा और एक बार बी में प्रेशर मिलेगा। इसमें क्या है कि इसमें भी सेम सिस्टम है, ये वाला आपका पी हो गया और ये दोनों कोयल हो गई और ये टी का ड्रेन हो गया और इसमें ए बी का सिस्टम हो गया, इसमें दोनों तरफ का फंक्शन होता है क्योंकि दो कोयलें लगा रखी हैं आपने, तो उस समय इसमें इस वाले बटन से आप एक बार प्रेशर ले सकते हैं और दूसरी बार दूसरे से आप प्रेशर इसमें चेक कर सकते हैं। एक इसमें ये जो मैनिफोल्ड होता है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैनिफोल्ड आप देखिए डायरेक्ट लगे हुए हैं, ये दोनों बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको, ओपन है, यानी कि ये सारे जो बटन है, ये जो सारे होल है, ये सारे आर पार है, आप देख सकते हैं ये वाले होल जो है, आप मैं दिखा देता हूँ, ये सारे आर पार है होल, आप ये देखिए, और इसमें आपका लाइन में पी आया, हमने एक तरफ ब्लॉक कर दिया तो प्रेशर इन में आएगा सब में, अगर हम वाल लगा देते हैं सभी वालों में एक साथ प्रेशर आ जाएगा। ये जो ब्लैक कलर के हैं ये मैंने इसमें रिंग लगा रखे हैं जिससे कि एयर जब
जब दो मेटल के बीच में एयर आती है तो एयर लीकेज होने की संभावना रहती है, तो उसे रोकने के लिए, लीकेज को रोकने के लिए हम रबड़ के रिंग यूज करते हैं। अगर आपका रबड़, सपोज कीजिए आपके मेटल के बीच में आपका प्रेशर लीकेज हो गया है, रबड़ लगी हुई है, तो इसका मतलब आपकी रबड़ काम नहीं कर रही है या आपने जो वाल लगाया है वो प्रॉपर तरीके से आपने टाइट नहीं किया है। जो आपके वाल लगेंगे, ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको दो बोल्टों से आप अपना वाल इसमें टाइट कर सकते हैं, और इसमें ये टी है, इसमें सबके टी हमने एक साथ मिला दिए जिससे कि एयर एक ही जगह से निकल के सारी की सारी एयर एक में चली जाए, और इसमें आपके टी दो पॉइंट हो गए, पी यहाँ गया, और ए बी का जो प्रेशर है वो आपका वाल में ऊपर की तरफ रहेगा जहाँ से आप अपना प्रेशर लेंगे, जो वाल आपके लगे हुए हैं, जो सा मैंने आपको पहले सिस्टम दिखाया था, ये वाला जो है इसमें ए बी ए वाले पॉइंट है, तो ए बी में आपका आप लोड लेंगे, यहाँ पे पी में आप प्रेशर देंगे, ये टी पॉइंट में आपका वापिस चला जाएगा, निकल जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप जब अपना कोई सर्किट चलाते हैं, आप सपोज कीजिए आपने मैनिफोल्ड बना लिया है, अब आपको सिलेंडर लगाना है, आपकी एयर आई पीछे से ड्राई हुई हुई, अगर आप न्यूमेटिक का प्रेशर दे रहे हैं और आपकी एयर ड्राई एयर अगर आपकी सिलेंडर के अंदर जाएगी तो उस कंडीशन में आपकी सील खराब होने का खतरा ज्यादा रहेगा, क्योंकि एयर ड्राई है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ड्राई एयर यूज कर रहे हैं कहीं यूज, सपोज कीजिए स्प्रे करने के लिए आपको ड्राई एयर की जरूरत है, तो उस समय हम क्या काम करते हैं, इसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, ये हमें सपोज कीजिए गन पर 3 kg का प्रेशर चाहिए, तो हमें एयर फिल्टर यूज करते हैं, एयर फिल्टर रेगुलेटर, ये फिल्टर है इसका, ये इसमें गेज में आप सो देख सकते हैं कि कितने केजी का प्रेशर है, यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो नोब लगी हुई है एक तरफ एयर देंगे और दूसरी तरफ से इस पर इन और आउट लिखा रहता है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं लाइन में और आप अपनी एयर आगे ले जा सकते हैं। सपोज कीजिए आपको कुछ पॉइंटों पर आपको ड्राई एयर चाहिए स्प्रे के लिए या साफ करने के लिए, किसी क्लीनिंग करने के लिए, और किसी कहीं आप सिलेंडर चला रहे हैं, तो जहां पर सिलेंडर चला रहे हैं वहां पर आपको जो है सिलेंडर को चलाने के लिए लुब्रिकेटिंग की जरूरत पड़ती है। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो ये तो एयर फिल्टर रेगुलेटर हो गया, इसके साथ एक पोर्ट और लगा रहता है जिसमें आप लूब भरते हैं, ऑयल भरते हैं, मोबिल ऑयल, जिससे कि थोड़ी चिकनाहट आपके उसमें सिलेंडर में जाती रहे। तो जिस समय आपकी एयर आपको सिलेंडर चलाने, उस समय आप इधर से एयर लेंगे, और जिस समय आपको बिना लुब्रिकेटिंग का चलाना है तो उस समय आप यहाँ से भी एयर ले सकते हैं। तो एयर फिल्टर रेगुलेटर में सिर्फ आपको एयर जो है प्रेशर से मिलेगी, जितना प्रेशर आपने साफ कर सेट कर रखा है, और फिल्टर रेगुलेटर में लुब्रिकेटर में उतनी एयर का प्रेशर जितना सेट कर दिया, उसके बाद आपको सारी एयर लुब्रिकेट हुई भी मिलेगी विद लुब्रिकेटिंग। और अगर आपको दोनों चीज चाहिए तो आप दोनों पोर्ट यूज कर सकते हैं, बीच में से भी एयर ले सकते हैं ड्राई, और बाद में लुब्रिकेटिंग एयर भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज का चैप्टर काफी है, आज के लायक बताने लायक कि आज आपको मैंने बताया है कि एयर कैसे यूज करी जाए और वाल का यूटिलाइज कैसे होता है। जब हम आगे कोई सिस्टम बनाएंगे, अब हम आगे पहले आपको हाइड्रोलिक के सिस्टम के बारे में बताना चाहेंगे कि हाइड्रोलिक का सिस्टम कैसा काम करता है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।